أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Today is our lecture number 6 and topic under discussion is corrosion and its prevention सबसे पहले हम देखेंगे कि corrosion होता क्या है ठीक है corrosion को हम उर्दू में कहते हैं जंग लगना बेसिकली एक गैल्वेनिक प्रोसेस है इसमें बच्चों क्या होता है कि इससे corrosion की वजह से जो मेटल की आउटर सरफेस है वो ख़राब हो जाती है ठीक है जैसे आपने देखा होगा हमारे घर के जो गेट्स हैं ठीक है काफ़ी अर्से तक वो नमी में पड़े रहे या बारिश वाली जगह में पड़े रहे पानी इसके ऊपर जो है पड़ता रहे तो उसका जो आउटर सरफेस है वो करोड हो जाती है ख़राब हो जाती है ठीक है तो अगर हम उस पे को कंट्रोल ना करें तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा जो हमारा गेट है वो ख़राब हो जाता है ठीक है तो सिमिलरली आपके पास जो वाटर टैप्स हैं ठीक है वाटर टैप्स पर भी मॉइस्चर वहाँ पर अगर ज़्यादा हो ठीक है तो अगर उसमें तो एक अगर उसको मतलब मीन टू से कि अगर वो बिल्कुल डायरेक्टली एक्सपोज हों टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो क्या होता है कुरैया जो फिनोमिना है वो इनहांस हो जाता है जिसकी वजह से जो है उसकी आउटर सरफेस भी ख़राब होना शुरू हो जाती है बेसिकली कुरैया होता क्या है ये एक गैल्वेनिक सेल डिवेलप हो जाता है ठीक है तो अभी हम थोड़े से डेफिनेशन हम लोग समझ लें उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से जो है क्या केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से जो है वो जिस सरफेस पे कुरैया होती है वो ख़राब कैसे हो जाती है जी कुरैया इज़ अ गैल्वेनिक प्रोसेस बाय विच मेटल्स डिटीरियोरेट थ्रू ऑक्सीडेशन डिटीरियोरेट का मतलब होता है ख़राब हो जाना और ये थ्रू ऑक्सीडेशन यूजुअली बट नॉट ऑलवेज टू देयर ऑक्साइड्स फॉर एग्जाम्पल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर आयरन डस्ट सिल्वर टार्निशेस टार्निशेस का मतलब है सिल्वर की जो शाइनी सरफेस है शाइनिंग ख़त्म हो जाती है एंड कॉपर एंड ब्रास रिक्वायर्स अ ब्रास कहते हैं तांबा अक्वायर अ ब्लूश ग्रीन सरफेस कॉल्ड अ पेटिना ऑफ द वेरियस मेटल्स सब्जेक्ट टू द कुरैया आयरन इज बाय सो फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शली अवेलेबल मेटल एंड इट इज़ मोर वल्नरेबल टू वर्ड्स द कुरैया फिनोमिना वल्नरेबल का मतलब होता है इसकी बहुत जल्दी से कुरैया हो जाती है ठीक है अच्छा जी आगे आप लोग आएँ अब हम क्या करते हैं कुरैया को पहले हम इसका फिनोमिना समझ लें प्रिंसिपल्स देख लें इसकी केमिस्ट्री देख लें फिर हम लोग देखेंगे कि कुरैया से बचाने के लिए हम क्या क्या जो है स्टेप्स ले सकते हैं जी अंडर एम्बिएंट कंडीशन द ऑक्सीडेशन ऑफ मोस्ट मेटल्स इज थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस विद द स्पॉन्टेनियस से मुराद ये है आप मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात एक्सप्लेन की थी कि एक बार जो है कुरैया का फिनोमिना स्टार्ट हो जाए आप उसको रोक नहीं सकते इट मीन्स इट अकर्स विदाउट inhibiting it yes hence it is actually somewhat surprising that any metals are useful at all in earth's moist oxygen rich atmosphere yes ये बात से मतलब ये है कि आपके पास metals जिस environment में पड़ी हुई हैं अगर वो environment में moisture contents मौजूद हैं air means oxygen वगैरह मौजूद हैं तो उस environment में corrosion का phenomena तेज़ हो जाता है क्योंकि कुरैया की फिनोमिना में ये दो चीज़ें ही हैं जो कुरैया को इन्हांस करती हैं एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कॉन्टेंट्स फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इन सॉफ्ट ड्रिंक कैंस एंड एयरप्लेन्स इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिन कोटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड डेट फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल एंड एक्ट एज एन इम्पेनिट्रेबल बैरियर डेट प्रिवेंट्स फर्दर डिस्ट्रक्शन जी यहाँ पर आपको बात बताई हुई है कि आपके पास जैसे कि ये जो हम जूसेस पीते हैं या हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं कैंस के अंदर जो उसको हमने फिलअप किया होता है या आपके पास जो एरोप्लेन्स के जो पार्ट्स वगैरह हैं हम वो मेटल्स के बने हुए होते हैं ठीक है हमने उसको कुरैया से बचाने के लिए हमने इसके ऊपर किसी न किसी और मेटल की लेस प्रीशियस मेटल की जो है हमने कोटिंग की हुई होती है मेटल या मेटल ऑक्साइड की कोटिंग की हुई होती है उससे क्या होता है कि जो हमने लेस प्रीशियस मेटल की आउटर साइड पे हमने कोटिंग की हुई है तो उसको वो उसकी कुरैया हो जाती है और जो हमारी इनर मेटल है वो सेव रहती है ठीक है जी अब आपको बताती हूँ अब देखिए आपने देखा होगा कि जब भी आयरन जैसे आपके घर में हमारे लॉक्स वगैरह ताले वगैरह होते हैं जब उनकी कुरैया होती है तो आपके पास जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की उसकी सरफेस बाहर से हो जाती है ठीक है तो बेसिकली होता क्या है कि आयरन जो है वो किस में आयरन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है
वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिकाइन में, जिसका कलर क्या, फेरिकाइन में कन्वर्ट हो जाता है जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। यस, व्हेन आयरन कोरोड्स इट फॉर्म्स अ रेड ब्राउन हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, इट इज आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कॉमनली नोन एज रस्ट, डेट डज नॉट प्रोवाइड अ टाइट प्रोटेक्टिव फिल्म, इंस्टेड द रस्ट कंटिन्यूअली फ्लेक्स ऑफ टू एक्सपोज अ फ्रेश मेटल सरफस वल्नरेबल टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर। इससे या इस बात का मतलब ये है कि आपके पास देखिए मेटल की जो है वो मल्टी लेयर्स होती हैं, किसी भी सरफेस पे मेटल की सिंगल लेयर नहीं बल्कि वो मल्टी लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, उसके बाद जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, उससे क्या होता है फिर उसके बाद जो इनर लेयर्स हैं दे आर एक्सपोज टू द आउटर एनवायरमेंट, जिसकी वजह से जो फिर इनर लेयर्स वो उनकी कोलाइजन स्टार्ट हो जाती है। इस तरह अगर हम कोलाइजन को ना रोकें तो ये फिनोमिना कंटिन्यू रहता है एंड इट विल पेनिट्रेट टुवर्ड्स द इनर सरफेसेस ऑफ मेटल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि तमाम लेयर्स जो हैं वो मेटल की डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और पूरे का पूरा जो मेटल का पीस है वो ख़राब हो जाता है। आप ज़रा हम इसकी केमिस्ट्री देखना चाहें बेटा, आप जिस डायग्राम पे फोकस करें, देखिए हमारे पास ये आपके पास लोअर साइड पे जहाँ मैं आपको मैं पॉइंट दे रही हूँ, ये आपके पास आयरन का एक पीस है, ठीक है। तो अब देखें आप आयरन का पीस जहाँ पड़ा हुआ है वो उसके इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर वाटर भी अवेलेबल है, मीन्स मॉइस्चर वगैरह भी अवेलेबल है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। तो ये क्या करते हैं कि मेटल की जो सरफस है उसमें आयरन को किस में, आयरन की ऑक्सीडेशन करते हैं, आयरन कन्वर्ट हो जाता है फेरसाइन में और इलेक्ट्रॉन दो इसके रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, ये फेरस और ऑक्सीजन मिलके फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो आपके पास अब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएंगे, ये आपके पास वाटर की स्प्लिटिंग से आएंगे, मास्टर कंटेंट्स वगैरह मौजूद हैं वो किस में ब्रेकअप हुए, हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोक्साइड आयन्स वगैरह में मौजूद में कन्वर्ट हुए हैं। जो हाइड्रोजन आयन्स हैं और ये ऑक्सीजन है ये मिलके क्या, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं, जो कि जब आयरन कन्वर्ट हुआ था Fe प्लस टू आयन में, ये मिलके क्या बनाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है वो एनोडिक साइड क्यों कही गई है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन जो है वो Fe प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है। और आपके पास ये जो राइट वाली साइड है इसको हमने कैथोडिक साइड का नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स द कैथोड मूव हो रहे हैं। और आपके पास प्रोटॉन्स कहाँ से आए, ये आपके पास जो है वो वाटर की स्प्लिटिंग से भी आ सकते हैं, कोई एसिडिक इन्वायरमेंट हो तो एसिड प्रोटॉन भी यहाँ पर हो सकते हैं। ऑक्सीजन आपके पास इर्द-गिर्द के इन्वायरमेंट में मौजूद है, ये किस में कन्वर्ट हो रही हैं, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है ये इस तरह से ये फिनोमिना इट कैरी ऑन जब तक इसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता रहेगा, ये कोरियन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब इसमें हमने देखा है कि क्या हुआ है कि आयरन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। आयरन इज ऑक्सीडाइज टू फेरस आयंस एट एन एनोडिक साइड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन विच इज ऑफन एन इम्प्योरिटी और अ लेटेस्ट डिफेक्ट। यस, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, कहाँ रिड्यूस हुई है, ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, ऑन द कैथोडिक साइड। ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू वाटर एट अ डिफरेंट साइट ऑन द सर्फस ऑफ द आयरन विच एक्ट्स एज द कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड थ्रू द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मेटल। ये आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया हुआ है जो एनोड से मूव करके टूवर्ड्स द कैथोडिक साइड पे आ रहे हैं। जी बेटा, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड थ्रू द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मेटल। वाटर इज अ सॉल्वेंट फॉर द फेरस आयंस दैट इज प्रोड्यूस्ड इनिशियली एंड एक्ट्स एज अ सॉल्ट ब्रिज। रस्ट की केमिकल कंपोजिशन क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। पहले फेरस बनता है, फेरस स्टेबल फॉर्म नहीं है, फेरस बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, मजीद ऑक्सीडेशन से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। इज फॉर्म्ड बाय द सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू द फेरिक आयंस। जी,
इन द क्रोजन प्रोसेस आयरन मेटल एक्ट एज एनोड इन द गैल्वेनिक सेल, और आपको एक सेल एस्टेब्लिश हो गया है। आपको पता है सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये बात जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास एक गैल्वेनिक सेल बन गया है, एंड इज ऑक्सीडाइज टू फेरस आयंस, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू वाटर एट द कैथोड। द रेलेवेंट रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड हेयर एज फॉलोज। जी कैथोड पे क्या हुआ था, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आयंस प्लस फोर इलेक्ट्रॉन, दे कंबाइन टू फॉर्म टू मोल्स ऑफ वाटर। और एट एनोड फेरस आयरन इन द सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट्स इन टू फेरस आयंस एंड टू इलेक्ट्रॉन्स वर रिलीज्ड। जी ओवरऑल क्या हुआ था हमारे पास, टू मोल्स ऑफ आयरन प्लस वन मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस फोर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दे कंबाइन टू फॉर्म टू मोल्स ऑफ फेरस आयंस प्लस टू मोल्स ऑफ वाटर। द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस फर्दर कंटिन्यूज एंड फेरस कन्वर्ट्स इनटू फेरिक आयंस। द फेरस आयंस प्रोड्यूस्ड इन द इनिशियल रिएक्शन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द इनसॉल्युबल हाइड्रेटेड ऑक्साइड कंटेनिंग फेरिक आयंस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इट कैन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, फोर मोल्स ऑफ फेरस आयंस प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, hydrated ferric oxide. Here you can say that overall पिछले डिस्कशन में ये बातें उन्होंने दोबारा से समराइज की हुई हैं। नॉर्मली द रिएक्शन ऑफ एटमोसफेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आइन एंड कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड्स अ लो एनएफ पीएच टू इनहांस द रिएक्शन रेट एज डज एसिड रेन। यस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी डेवलपिंग पेंट्स डेट एडहेयर टाइटली टू द कार्स मेटल सरफेस टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड वाटर एसिड एंड सॉल्ट फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द अंडरलेइंग मेटल। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो कार्स वगैरह होती हैं, अब कार की सरफेस भी आपके पास जो है बॉडी वो मेटल्स की बनी हुई होती है, तो हम उसको क्रोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर किसी ना किसी पेंट की हम कोटिंग कर देते हैं। तो पेंट क्या करता है, ये प्रिवेंट कर देता है क्रोजन को, जिसकी वजह से जो कार की बॉडी है वो ख़राब नहीं होती। यस अनफॉर्चुनेटली इवन द बेस्ट पेंट इज सब्जेक्ट टू स्क्रैचिंग और डेंटिंग। कि आपके पास हमने देखा होगा कि जो ये जो होता है आपके पास पेंट, उसमें भी स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक है, डेंट्स वगैरह पड़ जाते हैं। एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल, जब कहीं पे स्क्रैच पड़ेंगे या डेंट्स वगैरह पड़ेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, कि वहाँ से वो उसको रास्ता मिल जाएगा एटमोसफेरिक ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स को उसमें से क्रॉस होने का। जब स्क्रैच पड़ेंगे या डेंट पड़ेंगे तो वो वहाँ से एक जगह उनको मिलेगी, वहाँ से ऑक्सीजन भी एंटर हो सकती है और वहाँ से वाटर वेपर्स भी एंटर हो सकते हैं। जब एंटर हो जाएंगे तो वो कहाँ पर मूव करेंगे, जो अंदर मेटल सरफेस है वहाँ पर जाके पहुँचेंगे और दोबारा से जो है ये पूरा गैल्वेनिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और अंदर से जो है मेटल सरफेस की क्रोजन स्टार्ट हो जाएगी। आप देखें सर, आपको इस डायग्राम में आपको बताया हुआ है जी, आपके पास ये जो अपर सरफेस है, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये आपको बताया हुआ है कि पेंट की लाइन भी दिखाई हुई है, ठीक है, पेंट था। अब यहाँ पर ये देखें, आपको बताया हुआ है कोई डेंट पड़ गई या स्क्रैच वगैरह पड़ गए, जिससे क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो एंटर अंदर हो दाखिल हो रही है, ठीक है, वाटर वेपर्स वगैरह में अंदर दाखिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए आयरन की क्रोजन स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल बाकी सारी बातें वैसे ही जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, कि आयरन जो है वो Fe से Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और यहाँ जहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोडिक साइड कहलाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द कैथोडिक साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, और ये वहाँ पर जो है एटमोसफेरिक ऑक्सीजन प्रोटॉन के साथ मिलके और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस बात को ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि स्मॉल स्क्रैचेस इन अ प्रोटेक्टिव पेंट कोटिंग कैन लीड टू द रैपिड क्रोजन ऑफ आयरन, होल्स इन अ प्रोटेक्टिव कोटिंग अलाउ ऑक्सीजन टू बी रिड्यूस्ड एट द सर्फस विद द ग्रेटर एक्सपोजर टू एयर। आपको पता है वो सर्फस जो है वैसे कैथोड काम कर रही है,
वाइल मेटेलिक आयरन इज ऑक्सीडाइज टू एफ ई प्लस टू इन फेरासाइंस एट द लेस एक्सपोज साइट. रस्ट इज फॉर्म्ड वेन एफ ई प्लस टू डिफ्यूज टू अ लोकेशन वेयर इट कैन रिएक्ट विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन विच इज ऑफन रिमूव्ड फ्रॉम द एनोड. द इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन कैथोडिक एंड एनोडिक साइट्स कैन काज अ लार्ज पिट, एक गढ़ा पड़ जाता है, टू फॉर्म अंडर अ पेंटेड सरफस. ठीक है, इसका मतलब पेंटेड सरफस के नीचे जो क्या बन गढ़ा, गढ़े से मुराद क्या है कि आपके पास जो है वो जगह आपको फूली फूली सी नजर आएगी या उसमें गढ़ा सा आपको पड़ा नजर आएगा. इट मीन्स कि अंदर से जो है वो प्रोजन की वजह से ऐसा हुआ है. इवेंचुअली रिजल्टिंग इन सडन फेलियर विद लिटल विजिबल वार्निंग डेट क्रोजन हैज अकर्ड. थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर जो है वो जब पिट्स आपको नजर आएंगे या आपको जो है वो होल्स वगैरह नजर आएंगे तो ये आपको थोड़ा अगर हम केयर से हर चीज़ को ऑब्जर्व करने में अंदाजा हो जाएगा कि क्रोजन हो रही है. ठीक है, तो अगर हम जो है अगर हमें पता चल जाए क्रोजन हो रही है तो हम उसको उसी स्टेज पर स्टॉप भी कर सकते हैं. अगर हम उसके ऊपर जो है मज़ीद और कोटिंग कर दें, किसी भी प्रोटेक्टिव कोटिंग कर दें, किसी प्रोटेक्टिव मेटल की कोटिंग कर दें या किसी पेंट की कोटिंग कर दें. जी, आपके पास प्रोटेक्शन में एक चीज़ आती है प्रोफाइलेक्टिक प्रोटेक्शन. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट द क्रोजन ऑफ आयरन इज अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ अनदर मेटल दैट इज मोर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज. जी, जैसे आपके पास जो है वो ऑटोमोबाइल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, हम उसके ऊपर भी किसी न किसी मेटल की कोटिंग कर देते हैं या पेंट की कोटिंग कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर ऑफन कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. विद द इंक्रीज यूज ऑफ पॉलीमेरिक मटीरियल्स इन कार्स हाउएवर द यूज ऑफ क्रोम प्लेटेड स्टील हैज डिमिनिश्ड, खत्म हो गई इन रिसेंट ईयर्स. मीन्स कि हम जो है हमने जिस मेटल को प्रिवेंट करना है हमने उसकी सरफेस के ऊपर किसी और मेटल की हमने कोटिंग कर दी है. ठीक है, इससे क्या होगा कि जिस मेटल की कोटिंग की है वो तो उसको भी क्रोजन हो सकती है लेकिन जो इनर वाली हमारी मेटल है जिसको हम सेव करना चाह रहे हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएगी. ठीक है, ये बड़ा ओल्ड मेथड है लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो अब क्या हो गया कि मेटल की कोटिंग की मेटल के ऊपर मेटल की कोटिंग की बजाय जो है वो पॉलीमेरिक मटेरियल भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रिवेंटिव पर्पजेज. तो इससे क्या हुआ है जब से हम तो जैसे 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 ये पॉलीमेरिक मटेरियल की एडवांसमेंट आती गई हैं टू सर्व एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, तो जो क्रोम प्लेटेड स्टील था उसको इस्तेमाल अब कम से कम हो गया. ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विद द इंक्रीज यूज ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल्स इन कार्स हाउएवर द यूज ऑफ क्रोम प्लेटेड स्टील हैज डिमिनिश्ड इन रिसेंट ईयर्स. सिमिलरली द टिन कैंस डेट होल्ड सूप्स एंड अदर फूड्स आर एक्चुअली मेड ऑफ स्टील कोटेड द थिन लेयर ऑफ टिन. नाइदर क्रोमियम नॉर टिन इज इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट टू क्रोजन बट बोथ फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कोटिंग्स. ये अगर आप डायग्राम में आप देखें तो आपको बात फिर वो बात है वैसे ही कॉमन फिनोमिना वही है. ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी ये आपको सारा वो बताया हुआ है कि गिलवानी क्रोजन किस तरह से हो रही है. बेसिकली आपके पास जो आपके पास एक सेल डेवलप हुआ है वो गिलवैनिक सेल है, इस लिहाज से जो है क्रोजन का नाम क्या बन गया, गिलवानी क्रोजन इसको बोलते हैं. जी, इफ आयरन इज इन कॉन्टेक्ट विद द मोर क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल सच एज टिन कॉपर और लेड द अदर मेटल कैन एक्ट एज अ लार्ज कैथोड डेट ग्रेटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. बिकॉज द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज कपल्ड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन दिस कैन रिजल्ट इन अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द रेट एट विच आयरन इज ऑक्सीडाइज एट द एनोड. गैल्वेनिक क्रोजन इज लाइकली टू अकर वेन एवर टू डिसिमिलर मेटल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली अलाउंग इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अदर. एक तो हमने अभी तरीका पढ़ा है कि हमने अगर एक मेटल को क्रोजन से बचाना है तो हम उसके ऊपर लेस प्रेशियस मेटल की कोटिंग कर देते हैं, तो जिस मेटल की कोटिंग की होगी उसको तो क्रोजन हो सकती है, हमारी इनर मेटल जो है वो क्या रहेगी, सेव रहेगी. और एक आपके पास तरीका क्या है कि आप उसकी बजाय किसी मेटल की कोटिंग करने की बजाय आप कोई ना कोई पेंट भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप जो भी पेंट एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इट शुड नॉट बी
रिएक्टिव टूवर्ड्स द सर्फस टू विच इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड फॉर प्रोटेक्टिव पर्पजेज. ओके जी. एज विद द प्रोटेक्टिव पेंट स्क्रैचिंग अ प्रोटेक्टिव मेटल कोटिंग विल अलाउ क्रोजन टू अकर. इन दिस केस हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंड मेटल कैन एक्चुअली इंक्रीज द रेट ऑफ क्रोजन. द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टेनलेस इज फाउंड टू बी -0.14 volt एंड फॉर फेरस इज इक्वल टू -0.45 volt. शो डेट आयरन इज मोर इजिली ऑक्सीडाइज देन टिन. एज ए रिजल्ट द मोर क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल इन दिस केस टिन एक्सलरेट्स द क्रोजन ऑफ आयरन बाई एक्टिंग एज द कैथोड एंड प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफस एरिया फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. दिस प्रोसेस इज सीन इन सम ओल्डर होम्स वेयर कॉपर एंड आयरन पाइप्स हैव बीन डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर. द लेस इजिली ऑक्सीडाइज कॉपर एक्ट्स एज अ कैथोड कॉजिंग आयरन टू डिजोल्व रैपिडली नियर द कनेक्शन एंड ओकेजनली रिजल्टिंग इन अ कैटास्ट्रोफिक प्लम्बिंग फेलियर. जी अभी हमने पढ़ा था गैल्वेनिक प्रोटेक्शन पड़ी थी, दूसरा हमारे पास है कैथोडिक प्रोटेक्शन. वन वे टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम इज टू यूज अ मोर इजिली ऑक्सीडाइज मेटल टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द क्रोजन. इन दिस अप्रोच कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक बिकम्स द एनोड एंड द आयरन बिकम्स अ कैथोड. दिस प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन एंड प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम फर्दर क्रोजन. द रिएक्शन दैट अकर्स अंडर द कंडीशन आर एज फॉलोज. बेटा आप लोग देख रहे हो, हम कोई भी जो है आगे टाइप्स पढ़ लें तो ऑलमोस्ट जो है इनकी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, हमने पिछले में जहाँ पर देखा था कि आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहाँ पर भी हमने देखा था कैथोडिक रिएक्शन के थोड़ पर रिडक्शन हो रही थी और सेम रिएक्शन था. ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 हाइड्रोजन आइंस दे कम्बाइन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और आपको सेनोड पर क्या हो रहा था. अब यहाँ पर जो है चूंकि हमने अपनी आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की हुई है, अब आयरन जो है वो चीज़ छुप गई है, जिंक की जो सरफेस है वो एक्सपोज होगी टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट. इसलिए अब ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिंक की होगी. हमारी आयरन जो है वो प्रिवेंट रहेगी, बची रहेगी. ठीक है, तो जिंक की जब ऑक्सीडेशन होगी ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जिंक आयन्स में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएंगे. इसका मतलब है जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और ये कहाँ पर हो रही है, एट एनोड हो रही है. तो ओवरऑल आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ जिंक प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइन्स प्लस गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ जिंक आइन्स प्लस वाटर. ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा. द मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड विल इवेंचुअली डिजोल्व. इसको हम कहते हैं सेक्रीफिशियल क्रोजन. इट मीन्स क्योंकि जो आपके पास लेस प्रेशियस मेटल है या मोर रिएक्टिव मेटल है जिसकी हमने कोटिंग की हुई है, वो सेक्रीफाइस कर रही है, अपने आप की कुर्बानी दे रही है टू प्रिवेंट द मेटल इनसाइड इट. ठीक है जी, हम क्या पढ़े थे, द मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड विल इवेंचुअली डिजोल्व सेक्रीफाइसिंग इट सेल्फ टू प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट. कैथोडिक प्रोटेक्शन इज द प्रिंसिपल अंडरलेइंग गैल्वेनाइज्ड स्टील विच इज स्टील प्रोटेक्टेड बाय अ थिन लेयर ऑफ जिंक. गैल्वेनाइज्ड स्टील इज यूज इन ऑब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम नेल्स टू गार्बेज कैंस. जी, इन अ सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड्स यूजिंग मैग्नीशियम फॉर एग्जाम्पल आर यूज टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड टैंक्स और पाइप्स. रिप्लेसिंग द सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड्स इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन रिप्लेसिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स दे आर प्रोटेक्टिंग. क्यों, बार बार जो है पाइप्स को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, काफ़ी महंगी चीज़ पड़ जाती है. इसलिए बेहतर ये होता है कि हम अपने जो पाइप्स हैं उसको क्रोजन से बचाने के लिए हम उसके ऊपर किसी न किसी लेस प्रेशियस लेस कॉस्ट चीज की जो है लेस कॉस्टली चीज की हम कोटिंग करते हैं. जी, ये आपके पास जो है वो बताया हुआ, देखें ये आपके पास सरफेस ऑफ ग्राउंड है या अंडरग्राउंड आपके पास पाइप्स जो बिछे होते हैं उसकी आपको जो है पिक से एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आपने जो है मैग्नीशियम की कोटिंग की हुई है किसके ऊपर, सरफेस ऑफ आयरन के ऊपर. तो क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगी तो आयरन की बजाय किसकी ऑक्सीडेशन होगी, हमारे पास मैग्नीशियम की हो रही है. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन लेज हो रहे हैं. ठीक है, ये मैग्नीशियम का आपके पास पीस है, ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम आयंस में कन्वर्ट हो रहा है.
ठीक है। और आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सर्किट से फ्लो होते हुए तो कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द कैथोड मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपके पास ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्लस फोर हाइड्रोजन आयन मिलकर क्या कर रहे हैं, वाटर कन्वर्ट हो रहे हैं। इससे हमारा आयरन जो पीस हमारा क्या है वो सेव है। आपके पास किसकी एग्जाम्पल है, सेक्रीफिशियल कुरियन की, ठीक है। तो मीन्स बार बार पाइप्स को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम अपने अंडरग्राउंड जो पाइप्स हैं जैसे सीवेज सिस्टम के हैं, हम अगर उसके ऊपर किसी भी लेस प्रेशियस मेटल की कोटिंग कर दें, ठीक है, या मोर जिसको मोर रिएक्टिव मेटल भी कहते हैं उसकी कोटिंग कर दें, तो वो क्या करता है, हमारी जो इनर सरफेस की मेटल है मीन्स आयरन है उसको वो कुरियन से बचा लेता है, ठीक है जी। कनेक्टिंग अ मैग्नीशियम रोड टू एन अंडरग्राउंड स्टील पाइपलाइन प्रोटेक्ट्स द पाइपलाइन फ्रॉम कुरियन बिकॉज मैग्नीशियम हूज इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट इज मच मोर इजिली ऑक्सीडाइज देन आयरन विच हैज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इक्वल टू -0.45 वोल्ट। द मैग्नीशियम रोड एक्ट्स एज द एनोड इन अ गैल्वेनिक सेल। ये बेटे बात आपको मैंने इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन की है कि यहाँ पर जो है मैग्नीशियम क्या कर रहा है, एज ए एनोड काम कर रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास ब्लैक कलर के अर्ज हैं आपको सॉइल एनायंस दिखाए हुए हैं, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव मैग्नीशियम आयंस जी। हम कहाँ पर थे जी, हम बात कर रहे थे बिकॉज मैग्नीशियम हुज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट इज मच मोर इजिली ऑक्सीडाइज देन आयरन विच हैज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू -0.45 वोल्ट। द मैग्नीशियम रोड एक्ट्स एज द एनोड इन अ गैल्वेनिक सेल। द पाइपलाइन इज देयर फॉर फोर्स्ड टू एक्ट एज द कैथोड इन एट विच ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड जी। रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। यहाँ आपके पास जो है ऑक्सीजन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर बन रहा है। इट मींस ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, कैथोड के ऊपर हो रही है जी। हम द पाइपलाइन इज देयर फॉर फोर्स्ड टू एक्ट एज द कैथोड एट विच ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। द सॉइल बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड एक्ट्स एज अ सॉल्ट ब्रिज डेट कम्प्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जी। बच्चों आप लोगों को मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ाई थी मैंने आपको वहाँ भी तब भी बताया था कि आपके पास जो सेल है, सेल के अगर जब दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक एनोड है एक कैथोड है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो इन दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर आयनिक स्ट्रेंथ को क्या करती है, वो न्यूट्रल रखती है, मीन्स आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखती है, ठीक है। उसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं इसलिए थे क्योंकि उसके अंदर कुछ ना किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, नेचुरली यहाँ पर क्या है, द सॉइल बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड एक्ट्स एज अ सॉल्ट ब्रिज डेट कम्प्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एज सॉलिड मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम टू आइंस एट द एनोड, एनायंस इन द सॉइल सच एज नाइट्रेट डिफ्यूज टूवर्ड्स द एनोड टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। ये देखें बात आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन की गई है, जब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होकर मैग्नीशियम आइंस में कन्वर्ट हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी सर्फस के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं एनोड की, इसको नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम या सॉइल के अंदर जो आपके पास एनायंस मौजूद हैं वो कहाँ जाएंगे, मैग्नीशियम आइंस की तरफ जाएंगे ताकि उनको क्या करें, वो न्यूट्रल कर सकें जी। एज मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम आइंस एट द एनोड, एनायन इन द सॉइल सच एज नाइट्रेट डिफ्यूज टूवर्ड्स द एनोड टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। साइमल्टेनियसली केटाइंस इन द सॉइल सच एज हाइड्रोजन आइंस और अमोनियम आइंस डिफ्यूज टूवर्ड्स द कैथोड जी। बेटा सिमिलरली आपके पास जो सॉइल के अंदर एनायंस जो केटाइंस होंगे जैसे हाइड्रोजन आइंस या अमोनियम आइंस, दे विल डिफ्यूज टूवर्ड्स द कैथोड। ये जो आपको ब्लैक एरो शो हो रहे हैं यहाँ पर कैथोडिक सरफेस के ऊपर,
जी साइमल्टेनियसली केटाइंस इन द सॉइल सच एज हाइड्रोजन आइंस और अमोनियम आइंस डिफ्यूज टूवर्ड द कैथोड वेयर दे रिप्लेनिश द प्रोटॉन्स डेट आर कंज्यूम्ड एज ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। अ सिमिलर स्ट्रेटजी यूज मैनी माइल्स ऑफ समवट लेस रिएक्टिव जिंक वायर टू प्रोटेक्ट द ऑयल पाइपलाइंस। ठीक है, हमने अभी अब इंशाल्लाह हमारे पास और मेथड भी हैं इसको कुरियन को प्रिवेंट करने के, वो हम जो अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, ओके, कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।